महाराष्ट्र और मुंबई शहर में मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं कोरोना केसेस। गाइडलाइन पर पालन नहीं हुआ तो मंथ एंड तक केसेस में बेतहाशा इजाफा हो सकता है, सेंट्रल हुकूमत की वार्निंग। आदाब नाजरीन, में हफीजा बानू, लंथरानी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी मुसलसल कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ राज्य में कल 80,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए तो वहीं मुंबई शहर में कोरोना केसेस की तादाद 10,000 से ज़्यादा पाई गई। हुकूमत ने एक तरफ लॉकडाउन लगाया है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन की कमी की बात भी सामने आ रही है। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का कहना है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर डोज की कमी होने की वजह से लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन की ये कमी कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुंबई से करीब पनवेल के बीच सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन बंद हो चुकी है। सेंट्रल हुकूमत ने वार्निंग दी है कि अगर कोरोना गाइडलाइन पर पालन नहीं किया तो मंथ एंड तक महाराष्ट्र में भी तहाशा कोरोना केसेस देखने मिल सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खासकर मुंबई के कई इलाकों में अब भी लोग सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। दुकानें और कारोबार बंद होने से आवाम का बुरा हाल है। दिन में लॉकडाउन और कारोबार को खोले जाने के ताल्लुक से पीर को एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज़, मुंबई।